वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नागौर के, आपको बता दें, लाडनू दौरे पर रहे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि लोग राजनीति में नाम, शोहरत और पैसा कमाने आते हैं, मगर हमारी पार्टी के लोग काम करने आते हैं। हम जनता दरबार के जरिए आमजन के काम करते हैं। राजस्थान, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान की सरजमीन पर अपने सियासी सफर का आगाज किया है, और मैं आपके बाद बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 65 साल से भारत की सियासत में अपना हिस्सा अदा कर रही है। हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जीतते, ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारा जज्बा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि राजस्थान में आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से एक बार नवाज कर देखिए। जो काम हमने हैदराबाद में भी कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में भी कर सकते, मगर कब करेंगे? जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे, जब आपके विधायक जीत कर जाएंगे, जब आपका जिला परिषद में आपके लोग जीत कर जाएंगे।